सत श्री अकाल, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गार्लिक नान। इनको मैं बिना तंदूर के बनाऊंगी और ये एक बार में ही 4 से 5 नान बनकर तैयार होंगे। जब भी आपका नान खाने का मन हो तो आप मिनटों में इसे घर पर बना सकते हो। तो फिर देखते हैं इनको कैसे बनाना है। गार्लिक नान बना रहे हैं तो हमें गार्लिक की भी ज़रूरत होगी, तो गार्लिक को हम ग्रेट करके यूज़ करेंगे। तो ये मैंने ग्रेटर लिया, इसकी सबसे छोटी वाली साइड से गार्लिक को ग्रेट करेंगे। तो जितने नान बनाने हैं उस हिसाब से गार्लिक की ज़रूरत होगी। तो 4 से 5 मैं गार्लिक क्लोव्स को अभी ग्रेट कर रही हूँ और इसको मैंने कर लिया तो एक बाउल में रख लेते हैं। साथ में ये मैंने लिया है आटा, ये मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है, पहले से गूंदा हुआ आटा है। तो ये वाले नान जो है गेहूं के आटे से हम बनाएंगे, और गेहूं का आटा आपके पास फ्रिज में पहले से ही गूंदा हुआ है तो उसी से बना सकते हो। और इसको बनाना बहुत ही आसान रहता है क्योंकि इसके लिए हमें स्पेशली आटा नहीं गूंदना होता है, जो रोटी के लिए हमने पहले से आटा गूंद के रखा हुआ है उसी से ही बना सकते हैं। तो ये मेरे पास पहले से गूंदा हुआ आटा ये ले लिया है, साथ में ये मैंने गार्लिक जो भी ग्रेट किया था वो ले लिया है, और ये मैंने ली है कलौंजी यानी अनियन सीड्स। ये सिर्फ शो के लिए हैं, अगर आपके पास हो तो आप ले लेना, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हो। और लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट कर, और ये मैंने एक बॉल में लिया है पानी। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब बनाएंगे आटे से हम पेड़े यानी कि लोइयाँ। तो ये जो है पेड़ा थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, जितना हम रोटी के लिए पेड़ा लेते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, क्योंकि नान जो है रोटी से थोड़े मोटे होते हैं। तो ये देखिए इस साइज़ का मैंने बनाया है, 4 से 5 पेड़े मैं बनाकर अभी रख रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ आटे से नान, वैसे नान जो है मैदे से बनाए जाते हैं, और मैदे के नान जो है इतने हेल्दी नहीं होते हैं, वो देखने में वाइट होते हैं। ये जो गेहूं के आटे के नान बनेंगे बिल्कुल वाइट नहीं होंगे, थोड़ा सा इनका कलर अलग होगा, जैसा कि रोटी का होता है ना उस तरह का आता है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा आता है जैसे मार्केट के हम नान खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो अब ये मैंने 5 पेड़े बनाकर रख लिए हैं, अब नान बनाना शुरू करते हैं। अब हमने बनाना है नान। तो नान तो बनते हैं तंदूर में, घर में यूजली तंदूर तो होता नहीं है, तो आज हम घर पर ही एक जुगाड़ू तंदूर बनाते हैं। तो ये मैंने ली है कढ़ाई, इसमें हम बनाएंगे नान। ये थोड़ी मोटी सी कढ़ाई है तो इसमें नान जो है आराम से बन जाएंगे। इसको अब हम रख देंगे गैस की मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए, जिससे अच्छी तरह गर्म हो जाएगी तो इसमें नान अच्छी तरह से बन पाएंगे। तो कढ़ाई को मैंने गर्म होने रख दिया है, तो तब तक हम बना लेते हैं नान। तो जो हमने पेड़े बनाकर रखे हैं इसको हम बेलना शुरू करते हैं। अब नान बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ा लेंगे, इसे चकले पर रखकर बेलेंगे। तो हल्का सा ही बेलना है, अभी बहुत बड़ा नहीं बेलना है। ये देखिए हल्का सा बेल लिया है, अब इसके ऊपर लगाएंगे हम गार्लिक जो हमने ग्रेट करके रखा है, सेंटर पार्ट पर लगा लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया लगा लेंगे और थोड़े से कलौंजी के सीड्स लगा लेंगे, कलौंजी दाना थोड़ा सा लगा देंगे इसके ऊपर। अब इन सबको हमने इस पर सेट करना है, यानी ये चिपक जाए, तो इसके लिए बेलन से इसको और बेल लेंगे। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अभी इसको बेलने से क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें इसमें चिपक गई हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। तो जितनी मेरी कढ़ाई हो उस हिसाब से आपने बनाने हैं। कढ़ाई जो मेरी है मीडियम साइज़ की है, एक पीस मैंने बेल लिया है, तो इसे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। रोटी से हल्का सा मोटा रखा है, जैसे रोटी तो हम काफ़ी पतली रखते हैं, तो ये नान है इसको हल्का सा मैंने मोटा रखा है, ऐसे ही आपने बेलना है। अब इसे रख देते हैं एक प्लेट के ऊपर और दूसरा नान भी इसी तरह से तैयार करते हैं। तो इस तरह से 4 से 5 नान को बेल कर तैयार कर सकते हैं एक ही बार में। तो इस तरह से जब भी आपका नान खाने का मन हो तो आप इसे आसानी से बना सकते हो, स्पेशल आटा भी नहीं गूंदना है, और फटाफट 4-5 नान को बेल लिया और फिर एक साथ इसको कढ़ाई में हम सेक सकते हैं। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हो तो आप गार्लिक को स्किप कर सकते हो, बिना गार्लिक के भी ये नान बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अब मैंने 5 पीस अभी बेल कर तैयार कर लिए हैं, तो इनको अब सेकना शुरू करते हैं। अब नान को हमने सेकना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नान को उठाएंगे और जिस साइड पर हमने इसमें धनिया वगैरह लगाया ना उसकी उल्टी साइड पर, अपोजिट साइड पर हम लगा देंगे पानी। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा पानी लगाएंगे, और कढ़ाई तो गर्म हो चुकी है, इसमें हम नान को इस तरह से सेट करेंगे। तो इस समय आपने हाथों को बचाते हुए बहुत ही केयरफुली करना है, कढ़ाई बहुत गर्म है। तो ये देखिए एक नान सेट हो गया है।
तो इसी तरह से दूसरे नान को भी उठाएंगे, उसके अपोजिट साइड पर भी पानी लगाएंगे और इस तरह से इसे सेट करेंगे। जिस साइड पर हमने धनिया वगैरह लगाया ना, उस साइड को हमने ऊपर रखना है। अब कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा खिसका लिया है, अब इसके इस साइड पर भी हम नान लगा देंगे। तो एक बार में इसमें चार नान आ रहे हैं, क्योंकि ये कढ़ाई जो है बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की कढ़ाई होगी तो उसमें आपके 5 से 6 नान भी एक बार में आ जाएंगे। कढ़ाई में नान लगाने के बाद गैस की फ्लेम को रखना है लो मीडियम, क्योंकि कढ़ाई जो है अभी काफ़ी गर्म है। तो इसको इसी तरह से स्लो स्लो गैस पर ही पकने देंगे। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट ही लगेंगे बस। तो ये देखिए, अब नान में थोड़े थोड़े से बबल आने शुरू हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज होने लग गया है। जैसे हमने पहले लगाए थे वो बिल्कुल कच्चा आटा ही था, अब ये थोड़े थोड़े पक रहे हैं तो इनका कलर चेंज हो रहा है। इससे ही आपको पता चल जाएगा कि नान जो है नीचे की साइड से अब अच्छी तरह से सिक गया है। इस तरह से नान बनाने काफ़ी आसान रहते हैं, क्योंकि एक ही बार में 5 से 6 भी नान बन जाते हैं अगर बड़ी कढ़ाई है तो। तो ये देखिए, ये तो एक बार में 4 नान बन रहे हैं। अगर हम तवे पे बनाते हैं तो एक बार में एक ही नान बनता है। नान जो है नीचे से अब सिक गया है, तो इसलिए मैंने इसको हटा लिया और आराम से हट गया है। जैसे ही सिक जाते हैं तो ये आराम से कढ़ाई को छोड़ देते हैं। देखिए कलर इसका अच्छा आ गया है, तो इसको निकाल लेंगे और दूसरा भी निकाल लेंगे। जो पहले 2 लगाए थे दोनों सिक चुके हैं नीचे की साइड से, तो इनको मैंने निकाल लिया, और जो 2 बाद में लगाए थे उनको मैंने कढ़ाई में सेंटर में करके रख दिया है। जो मैंने निकाले इनको गैस पर सेक लेते हैं। तब एक एक नान को लेंगे और गैस के ऊपर इस तरह से इसे सेक लेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा ऊंचा रख लेंगे इसको और आराम से सिक जाएगा, क्योंकि एक साइड से तो ये ऑलरेडी पका हुआ है। तो इस साइड से हम गैस के ऊपर इसे कर लेंगे। अगर कोई कॉर्नर कच्चा लग रहा है तो उस तरह से आगे पीछे करके इसको हम सेकेंगे, बहुत ही आराम से काम हो जाता है। तो ये देखिए, ये वाला नान तैयार हो गया है। इसका कलर देखिए आप, और टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल मार्केट का गार्लिक नान लग रहा है ना, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब ये पीस तैयार हो गया है, इसको भी रख देते हैं। अभी चारों नान बनकर तैयार हैं। इसके ऊपर चाहे तो आप लगाएं थोड़ा सा बटर या लगाएं देसी घी। तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ देसी घी। घी लगाते ही इसमें देखिए कितनी अच्छी शाइन सी आ गई है। तो ये देखिए आप, लग रहा है ना जैसे हमने मार्केट से इनको ऑर्डर किया है। बहुत ही यम्मी बनते हैं ये। इनको आप दाल मखनी, दाल तड़का या शाही पनीर किसी के भी साथ खाएं, सभी के साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप, थोड़े से क्रिस्पी हैं और थोड़े से सॉफ्ट। बाहर से थोड़े क्रिस्पी होते हैं और खाने में ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं। बहुत ही मज़े के बने हुए हैं, बिल्कुल मार्केट के जैसे बनते हैं। तो आप इसे घर पर बनाएं और इन्जॉय करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी आई हो पसंद तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।